हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ गुडियंजलि. वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट टर्म अप टू चैप्टर 1 to 12. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर सेकंड टर्म इज चैप्टर 13, शेयरिंग अवर फीलिंग्स. शेयरिंग अवर फीलिंग्स मीन्स टू शेयर वंस लाइक्स, डिसलाइक्स, ओपिनियंस, फियर्स. जनरली वी शेयर अवर फीलिंग्स विथ हुम वी आर कंफर्टेबल. So in this chapter, we are going to see the girl named Seema with whom she is sharing her feelings. So अपनी फीलिंग जैसे कि लाइक्स होते हैं हमारे, डिसलाइक्स होते हैं, फियर्स होते हैं हमारे, ओपिनियंस होते हैं, वो हम किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं. तो यहाँ पे इन दिस चैप्टर सीमा है जो किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती है, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, ओपिनियंस, फियर्स, वो सब वो किसी के साथ शेयर करती है. तो वो किसके साथ शेयर करती है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर टू पीपल विथ होम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज. दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. सो here we will underline the new words that you will have to write down in your EVS notebook. So after returning home from school, school se wapas ghar aane ke baad, there are two people with whom I like to share all my news. To do log aise hai jiske saath wo jo Seema hai wo apni feeling share karti hai and they enjoy listening to my tales. Aur jo bhi wo do person ke saath apni feeling share karti hai, दो पीपल के साथ, वो उसको जो उसकी फीलिंग जब वो शेयर करती है कुछ भी, तो उसकी कहानियां सुनने में उनको बहुत मजा आता है. सो टेल्स, टेल्स मीन्स की कहानियां. तो ये भी आपको लिख देना है अपनी नोटबुक में. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज ऑलवेज एंजियस टू लिसन टू मी. सो सीमा जो है वो दो पीपल के साथ अपनी फीलिंग शेयर करने में उसको मजा आता है. तो द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ दिस टू, द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. तो जो पहली जो पर्सन है वो कौन है, उसकी नानी है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करती है. शी इज ऑलवेज एंजियस. एंजियस मीन्स की उत्सुक, ईगर. तो ये भी न्यू वर्ड है जो आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है. टू लिसन टू मी, वो उसको सुनने के लिए हमेशा वो एंजियस होती है. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ओफन हैज अ बेक पेन. तो जो जब भी वो स्कूल जाती है सीमा, तो उसका घर आने का हमेशा वो जो उसकी नानी है वो उसका इंतजार करती है. एंड शी इज क्वाइट ओल्ड, वो बहुत ही एजेड है, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है. एंड ओफन हैज अ बेक पेन, तो उनको बेक पेन भी रहता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. और जो उसकी नानी है सीमा की, वो ना तो ठीक से सुन सकती है या ना देख सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. तो हर सुबह जो सीमा के पापा है वो क्या करते हैं, अपनी नानी के लिए, उसकी नानी के लिए न्यूज़पेपर जोर से रीड करते हैं ताकि वो उसकी नानी सुन सके. क्योंकि उनकी नानी जो है वो देख भी नहीं सकती है और ठीक से सुन भी नहीं सकती है. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सीमा के फादर जो जोर से न्यूज़पेपर को रीड करते हैं ताकि वो उसकी जो नानी है वो सुन सके. शी डज द रेस्ट ऑफ अ वर्क हरसेल्फ. तो जो उसका नानी का बाकी का काम जो होता है वो खुद ही करती है. उसकी नानी जो है वो उसका बाकी का काम खुद करती है. रेस्ट ऑफ मीन्स की बाकी का. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. वो ठीक से, वो उनकी एज भी ज्यादा है, वो ठीक से सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती. तो क्या है, उनको अगर कोई हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना सारा काम खुद ही करना अच्छा लगता है. यहाँ पे अपसेट मीन्स की सैड. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. शी से दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. सो वो ठीक से देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फिर भी वो क्या करती है, अपना बाकी का जो काम है वो खुद से करती है. और वो जो उनको वेजिटेबल्स, तो उनको जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको कट करने में उनको मजा आता है. तो मीन्स कि उनके घर में वेजिटेबल उनकी नानी ही कट करती है,
और वो क्या कहती है कि दिस डेज चिल्ड्रन डोंट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली। तो यहाँ पे इन दिनों क्या होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको पता नहीं है प्रॉपरली, उनको वेजिटेबल्स को कट करना नहीं आता है। नेक्स्ट, द सेकंड पर्सन इज माय रवि भैया, ही लिव्स विथ अस, आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माय पेरेंट्स भैया भाभी, आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज, बट ही इज अ वेरी लविंग ब्रदर, ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माय क्वेश्चंस, ही नेवर से आई विल टेल यू लेटर। तो जो सीमा है शी इज ऑलवेज, उसको क्या होता है उसकी जो फीलिंग्स होती है वो दो पीपल के साथ होकर शेयर करती है। देर आर टू पीपल विथ हुम सीमा लाइक टू शेयर ऑल हर फीलिंग्स। सो द फर्स्ट पर्सन इज हर नानी एंड द सेकंड पर्सन इज हर रवि भैया। तो जो उसके रवि भैया है उसके साथ वो सारी फीलिंग शेयर करती है। तो रवि भैया ही लिव्स विथ अस, जो उसके रवि भैया है वो उन्हीं के सीमा के साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया, तो जो रवि भैया है उसको सीमा क्या करके बुलाती है, रवि भैया करके बुलाती है। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और जो उसके रवि भैया है वो उसके जो सीमा के पेरेंट्स हैं उनको क्या कहते बुलाते हैं, वो भैया भाभी कहते हैं। आई डोंट नो वॉट अवर रिलेशनशिप इज, सीमा को ये नहीं पता कि जो उसके रवि भैया है उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। ही इज ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, तो जो भी क्वेश्चन सीमा, जो भी क्वेश्चन अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर उसको कुछ पूछना होता है तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो रवि भैया से पूछती है और रवि भैया हमेशा उसको आंसर देते हैं। ही नेवर से आई विल टेल यू लेटर, वो कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें इसका आंसर जो है वो बाद में दूंगा। जब भी वो सीमा व्हेनेवर शी आस्क एनी क्वेश्चन रवि भैया, शी ऑलवेज आंसर एट अ टाइम, वो उसको हमेशा उसी टाइम आंसर दे देते हैं। नेक्स्ट, रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, रवि भैया इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। तो जो अभी रवि भैया है वो क्या करते हैं, तो रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ाते हैं एंड द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, जो जहाँ पे भी वो पढ़ाते हैं कॉलेज में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ तो घर पे पढ़ने के लिए भी आते हैं, वहाँ पे जो उनके सीमा के घर में रवि भैया होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए उनके घर पे भी आते हैं। रवि भैया इज अ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन अ प्लेस, तो जो उसके रवि भैया है उसको म्यूजिक सुनना एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस, जो प्लेस होती है गेम्स होती है उसमें उनको पार्ट लेना बहुत ही अच्छा लगता है और वो म्यूजिक सुनने के भी बहुत शौकीन है। यहाँ पे फॉन्ड ऑफ मीन्स क्या होना, शौकीन होना, ये भी आपको वर्ड्स लिख देना है। ही इंजॉय चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करनी भी अच्छी लगती है और गोइंग आउट विद देम, और वो उनके साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। नेक्स्ट, ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, तो जो रवि भैया है उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है और वो सबको हंसाते भी है, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होने की वजह से वो सबको हंसाते भी है। नाउ नेक्स्ट, भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी। तो जो रवि भैया है वो कैरीज अ वाइट स्टिक, वो उनके साथ क्या करते हैं, जो वाइट स्टिक है वो कैरी करते हैं जब भी वो ही गोज आउट, जब भी वो बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम, उनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो देख नहीं सकते। मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कांट सी, तो उनको देखकर कोई बता नहीं सकता कि ये जो है वो देख नहीं सकते। दैट मीन्स कि जो रवि भैया है सीमा के वो ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकते, तो उनको कहीं भी जाना हो तो उनके साथ उनको एक जो वाइट स्टिक है वो कैरी करनी पड़ती है और उसके सहारे वो बाहर घूम फिर सकते हैं और उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये देख नहीं सकते। तो यहाँ पे जो कैरीज है स्टिक एंड ये टू वर्ड्स है वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है। देन
ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और उनको सारा काम अपना खुद ही करना अच्छा लगता है. वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो अपना जो सारा काम है वो खुद ही करते हैं. इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, अगर उनको कोई उनकी विश के अगेंस्ट जाकर कोई उनकी हेल्प करना चाहे तो वो क्या कर हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं. उनको अच्छा नहीं लगता अगर उनकी कोई हेल्प करे बिना उनकी मर्जी के. तो यहाँ पे जो अगेंस्ट है मीन्स की विरुद्ध, ये वर्ड्स भी आपको लिख देना है. व्हेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, जब भी उनको कोई हेल्प की जरूरत होती है तो वो बोल देते हैं. लेकिन अगर वो बोले ना और फिर भी कोई उनकी हेल्प करने की कोशिश करे तो उनको अच्छा नहीं लगता है. जब भी उनको हेल्प की जरूरत होती है तो वो बोल देते हैं आस्क फॉर इट. नेक्स्ट, सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स. रवि भैया लिसन टू दिस टेप्स. तो उनके जो भैया के सम स्टूडेंट है, सम ऑफ भैया स्टूडेंट्स टेक बुक फ्रॉम हिम, जो उनके स्टूडेंट्स है वो कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, उनसे बुक्स लेते हैं और वो रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन अ टेप्स. फिर वो क्या करते हैं, जो सारी बुक्स है वो रीड करके रिकॉर्ड कर देते हैं टैप में और फिर वो रवि भैया क्या करते हैं उसको लिसन सुनते हैं, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं तो वो बुक्स वो रीड की हुई उनके स्टूडेंट्स की वो सुनते हैं. तो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग टैप्स, ये वर्ड्स भी आपको लिख देने. नेक्स्ट, भैया हैज अ मैनी अदर बुक्स टू. तो जो उसके भैया है उसके पास और भी बुक्स बहुत है. द पेजेस ऑफ दिस बुक आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंट्स डॉट्स. ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट्स. तो जो भैया उस रवि भैया है उनके पास बहुत सारी बुक्स है और द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स. तो जो उनके पास बुक्स है वो देख तो सकते नहीं तो वो हमारी तरह बुक्स तो रीड कर नहीं सकते, तो उनकी जो सारी बुक्स है वो क्या होती है, बहुत ही थिक होती है. ये थिक्स भी आपको लिख देना है, थिक होती है और हैव अ रोज ऑफ अ रेज्ड पॉइंट. तो जो उनकी बुक्स होती है उनपे कैसे लिखा हुआ होता है, पॉइंट्स होते हैं उसमें, डॉट किए हुए पॉइंट्स होते हैं जो एक रो में दिए हुए होते हैं और वो क्या होते हैं, रेज्ड होते हैं. मीन्स की वो थोड़े जो डॉट्स होते हैं वो ऊपर की तरह उठे हुए होते हैं, रेज होते हैं. तो उसकी वजह से क्या वो उसको टच कर फील कर सकते हैं. टू हैव फन विद भैया आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. सो वो जो सीमा है वो क्या करती है, अपने भैया के साथ मजे करने के लिए वो कई बार जो प्लेस है, जगह है, जो जहाँ पे रवि भैया अपनी स्टिक रखते हैं, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं तो वो एक ही जगह पे अपनी स्टिक रखते हैं और व्हेनेवर ही गोज आउट बाहर जाते हैं तो वो स्टिक का यूज करते हैं. लेकिन समटाइम्स सीमा क्या करती है, जो स्टिक है उसकी जो जगह है वो चेंज कर देती है, वो उसको कहीं और रख देती है. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके जो रवि भैया है वो अपसेट हो जाते हैं. अपसेट मीन्स कि हमने आगे देखा सैड हो जाते हैं, लेकिन कभी भी वो सीमा पे गुस्सा नहीं करती क्योंकि जो सीमा है उनकी क्या है, फेवरेट सिस्टर है. आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पोक अप. सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे. तो जब भी वो स्कूल से वापस आती है और डोर पे ही पहुंचती है तभी वो भैया कह देते हैं कि सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टूडे, तो आज तुम बहुत खुश लग रही हो. तो वो बता देते हैं डोर पे कि वो सीमा आज बहुत खुश है. वो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो इतना फील कर सकते हैं कि बिना देखे वो सीमा जब भी आती है तो उसको पहचान लेते हैं कि आज वो बहुत ही खुश है. भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. तो जो उसके भैया है वो रिकॉग्नाइज मीन्स कि वो पहचान लेते हैं. ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिख देना है न्यू वर्ड. तो भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी, तो वो सिर्फ सीमा को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर लेते लेकिन वो सारे उसके जो ऑल अदर फैमिली मेंबर है उनका जो साउंड है, जब भी वो चलते हैं तो सबका अलग अलग साउंड होता है. तो जब भी वो दे मेक्स एज वी एज दे मूव, तो जैसे ही वो साउंड बनाते हैं उससे क्या होता है, जो उसके रवि भैया है वो पहचान लेते हैं कि ये सीमा है या फिर उसके भैया भाभी या फिर नानी, उन सबको वो अपने मूव के जो साउंड है उससे वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. मूव भी आपको कर लिख देना है. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड.
और वो सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, लेकिन ये वो भी बता देते हैं कि वो जो सीमा है वो हैप्पी है कि सैड है, वो भी उनको पता चल जाता है। भैया फाइनली आई एम इन अ फुटबॉल टीम, आई शेयर माय न्यूज विद हिम, ही पेक्ड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माय फुटबॉल कोच। तो जो सीमा है वो क्या कहती है, भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। तो जो उसके स्कूल में जो फुटबॉल मैच होती होगी उसमें क्या होती है, वो फाइनली उस टीम में वो सिलेक्ट हो जाती है। एंड आई शेयर माय न्यूज विद हिम, तो उसके जो ये न्यूज है वो उनके साथ वो शेयर करती है। यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है कि शेयरिंग अवर फीलिंग्स, तो यहाँ पे हमें सीमा किसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करती है हमने वो देखा। तो देयर आर टू पर्सन, हर नानी एंड हर रवि भैया, तो ये जो न्यूज है वो भी वो अपने रवि भैया के साथ शेयर करती है। ही पेट मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने उसको शाबाशी दी और कहा, प्यार से कहा कि आज से फ्रॉम टूडे यू आर माई फुटबॉल कोच, तो तुम आज से मेरी फुटबॉल की कोच हो। तो यहाँ पे जो पेट एंड लविंगली ये दोनों वर्ड्स आपको लिख देना है, कोच, कोच मीन्स कि जो उसके फुटबॉल सिखाने वाले होते हैं उसको फुटबॉल कोच कहते हैं। नाउ वी हियर वी हैव गिवन सम क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।